नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह की एक अनोखी पहल सुहागी थाने में लगाए गए जन जागरण शिविर में देखी गई, जहां रीवा पुलिस अधीक्षक के द्वारा बढ़ती ठंड के मद्देनजर गरीब और बेसहारा लोगों को कंबल वितरित किया गया। इस दौरान करीब 500 से ज्यादा लोगों को कंबल वितरण किया गया है। ठंड के दिनों में कंबल पाकर गरीब लोगों के चेहरे पर सुकून दिखा। रीवा एसपी राकेश सिंह मीडिया से बताया कि एक गुरुजी को सतना में रहते हैं, रीवा के तराई क्षेत्र में अपना स्थान बनाए हुए, उनके सौजन्य से गरीबों को कुछ न कुछ दिया जाता है। इसी कड़ी पर हमारे प्रशासन ने उन गुरुजी से संपर्क किया और तराई क्षेत्र में कई गरीब परिवार असहाय लोगों को हम लोगों ने प्रशासन की तरफ से ठंड को देखते हुए कंबल वितरण किया। आइए सुनाते हैं। वहीं पुलिस के इस रूप को देखकर लोग भी रीवा एसपी की तारीफ कर रहे हैं। एक गुरुजी हैं, सतना क्षेत्र सतना में रहते हैं और विशेषकर 2011 से जब से वो सेवानिवृत्त हुए, संन्यास का ग्रहण किया हुआ, तो उनके द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में कंबल का वितरण किया जाता है। तो उनसे हमारे एसडीओपी तेवथर ने संपर्क किया था कि हमारे क्षेत्र में भी काफ़ी गरीब लोग रहते हैं, वहाँ कंबल वितरण होना चाहिए, जिस पर उन्होंने सहर्ष सहमति देते हुए कंबल प्रदान किया। इसके चलते उसी तारतम्य में आज मझगवां क्षेत्र में मैंने उनके सम्मान में मैं भी जाकर कंबल वितरण कार्य में सहभागिता निभाई। मझगवां और 2-3 अन्य स्थानों पर भी मेरे द्वारा कंबल वितरण किया गया और सभी गरीब बुजुर्ग महिलाओं को विशेष तौर पर प्राथमिकता देते हुए कंबल वितरण का कार्य संपन्न कराया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।